नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने आज लोक निर्माण विश्राम ग्रह से नशे की मुहिम के खिलाफ साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइकिल यात्रा की अगुवाई मशहूर देसी रॉक स्टार एमडी कर रहे हैं। नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह यात्रा 16 फरवरी को गुरुग्राम से शुरू हुई थी। रॉक स्टार एमडी ने बताया कि आज समाज में नशे जैसी बुराइयों को रोकने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर सिरसा उपायुक्त रमेश चंद्र भी मौजूद रहे। सांसद सुनीता दुग्गल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत यह साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। बढ़ते नशे को रोकथाम के लिए इस तरह की मुहिम से युवाओं को जागरूक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी नशे को लेकर गंभीर है, नशे जैसी बुराइयों को खत्म किया जाना जरूरी है। वहीं विधायक कवि चौटाला द्वारा दिए गए बयान को सरकार को नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि इस तरह की बातें करने से कोई लाभ नहीं मिलता। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने लाएं ताकि हम सब मिलकर नशे को खत्म कर सकें। इस अवसर पर सिरसा उपायुक्त रमेश चंद्र ने कहा कि प्रशासन भी नशे पर लगाम लगाने के लिए सभी को जागरूक कर रहा है। इस कड़ी में सरकार द्वारा इस साइकिल यात्रा को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नशे जैसी बुराई को जड़ से खत्म किया जाएगा। हरियाणवी रॉकस्टार एमडी ने कहा कि उन्होंने 16 फरवरी को गुरुग्राम से इस अभियान को शुरू किया था। हरियाणा के सभी जिलों में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में यहाँ सिरसा पहुँचे हैं, यहाँ भी आज स्कूल व कॉलेज में जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। देखिए, ये नशा मुक्त हरियाणा की साइकिल यात्रा है जिसके अंदर हमारे जो हरियाणा के बहुत अच्छे सिंगर हैं एमडी, और वो और उनकी पूरी टीम जो है पूरे हरियाणा के अंदर अवेयरनेस के लिए हमारे युवाओं को संदेश देने के लिए ये साइकिल यात्रा निकाल रही है। तो जिसमें आज इनका सिरसा में आगमन हुआ है, तो यहाँ से इनको हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया जाएगा ताकि हमारे युवाओं के अंदर एक संदेश जाए। बहुत अच्छे सिंगर हैं ये, गौ माता के लिए भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं और अपने भी बड़े फेमस सिंगर हैं ये। तो मुझे, मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस मुहिम पे ये निकले हैं, जैकलिन जिंदल हैं इनके साथ, बहुत चैरिटेबल जो सोसाइटीज़ हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। तो मैंने इनको भी रिक्वेस्ट किया है कि सिरसा में आकर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमारे युवाओं को अवेयर करें। और डीसी साहब भी हैं, डीसी साहब ने भी पूरा प्रशासन की तरफ से हर सहयोग जो है वो मिलेगा ताकि हमारा जो सिरसा है ये इलाका पूरा नशा मुक्त हो और पूरा हरियाणा हमारा नशा मुक्त हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं वो विकास की गति में अपना साथ दें, ना कि नशे की तरफ जाएं। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देती हूं कि ये मुहिम जो है हमारी सफल हो और हमारे युवा जो हैं वो नशे को छोड़कर और विकास की गति में आगे बढ़ें। हमने 16 फरवरी से गुड़गांव से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैं हूँ हरियाणवी आर्टिस्ट MD, और मेरा आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा देसी देसी ना बोला कर छोरी चैट ब्लैक से गाड़ी गौ माता, काफ़ी सॉन्ग्स है मेरे। तो हमने 16 तारीख से एक भव्य कार्यक्रम के साथ स्टार्ट किया था। हम उसके बाद गुड़गांव गए, गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल, रिवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, ये सारा हरियाणा हिसार कवर करते हुए हम आपके सर हिसार में सॉरी सिरसा में पहुँचे हम लोग। सिर्फ हमारा तो एक ही मैसेज है कि ना नशा करेंगे और ना किसी को करने देंगे। हम हर एक स्कूल कॉलेज में जाके ये मैसेज दे रहे हैं। माँ बाप को अपने बेटे से उम्मीद होती है कि हमारा बेटा अफसर बनेगा, हमारा बेटा एक रिपोर्टर बनेगा, हमारा बेटा वकील बनेगा, हमारा बेटा जज बनेगा। उन सभी उम्मीदों पे पानी फेर देता है एक नशा। तो हम सब ने ठाना, मैंने बहुत से परिवार बर्बाद होते देखे हैं, मैंने मेरे गाँव में बर्बाद होते देखे हैं। तो उसी दिन ठाना था मैंने, ना नशा करूँगा और ना किसी को करने दूँगा, चाहे भलाई मुझे कोई गोली मार दे, पर मैं अपनी मुहिम में ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा। अब आज हम 30 हैं, हम 3 लाख होंगे, हम 3 करोड़ भी होंगे। बस ये मुहिम है, हरियाणा को ड्रग्स फ्री है, फिर हिंदुस्तान को ड्रग्स फ्री बनाना है, तभी अपना देश। आपको लगता है कि आपके मुहिम से जागरूकता आएगी? हाँ जी, बिल्कुल आएगी। जहाँ भी हम स्कूल में मैसेज दे रहे हैं, हम कसम खिलवा रहे हैं लोगों को। बहुत से लोग छोड़ भी रहे हैं, उन्होंने शपथ ली है कि हम नशा नहीं करेंगे। प्रशासन, आपने देखना सर, सभी सत्रों के ऊपर जो है नशे के प्रति सचेत है और इन्होंने कार्रवाई आरंभ की हुई है।
एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसी जागरूकता अभियान के तहत सबसे पहले जो है सभी सब डिवीजन लेवल पर सरपंचों की नंबरदारों की मीटिंगें लेकर उनको जागरूक किया गया, उसके बाद युवकों से संपर्क करने के लिए दूसरे चरण के अंदर जो कॉलेजों के अंदर जो है जागरण अभियान और सचेता अभियान आरम्भ किया गया है। उसी कड़ी के अंदर सरकार के द्वारा जो है ये साइकिल यात्रा का जो है की गई है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही सिरसा जिले को नशा मुक्त करने में सफल होंगे। देखिए ऐसा है कि इस तरह की बातें सिर्फ करने से कुछ नहीं होता, अगर उनके पास कहीं एक भी कोई ऐसा सबूत या एक भी कोई ऐसा तथ्य है जिससे उनको ये लगता है कि कोई, चाहे वो अधिकारी है या कोई नेता है, कोई भी है अगर, और वो अगर नशे को शह दे रहा है या उसको अगर वो सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको तुरंत प्रभाव से, वो विधायक हैं, उनको विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उनका मिलना जुलना रहता है, तो वो अगर चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे सबूत और तथ्य दे सकते हैं ताकि हम सब मिलकर इस जो है इस नशे को जड़ से ख़त्म कर सकें। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, हमें बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलकर किस तरह से नशे को ख़त्म कर सकते हैं और हमारे युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं।